इसके ऊपर आपको यहाँ पे बाई करना था, आपने यहाँ पे बाई करा, यहाँ पे आपका बाई हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा इस स्विंग के नीचे, स्टॉप लॉस हो गया आपका यहाँ पे। ये जो ट्रेंड आपको मिला है, ये आपका छोटा छोटा जितना भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है उन सभी को ये एक बार में कवर करेगा। यहाँ से अगर आपने इस ट्रेंड को भी कवर कर लिया, इसका 50% मतलब यहाँ तक भी कवर कर लिया, आपका प्रीवियस जितना भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है उन सभी को ये कवर कर लेगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो सुभाषी सर ने RSI वाला स्ट्रेटजी बताया है उसके बारे में, ठीक है, कि उसके बेसिस पे हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है, क्या है वो स्ट्रेटजी और मार्केट में वो कैसे काम करता है, सारा कुछ इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने कल का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोलिंगर बैंड और जो 5 EMA का स्ट्रेटजी था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि RSI स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, कैसे हम लोग उसको चार्ट पे लगा सकते हैं, क्या उसका बाई डिफॉल्ट सेटिंग होना चाहिए और कब उसके बेसिस पे हम लोग को ट्रेड लेना है। तो गाइज प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आना है। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, RSI लिखना है। RSI मतलब क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखो, टेक्निकल्स के अंदर जाओगे तो फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर आपको मिलेगा उसको आपको चार्ट के ऊपर लगा लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो RSI चार्ट के ऊपर लगा लिया है। सो गाइस, अभी देखो RSI चार्ट के ऊपर लग गया है। अभी इसको आपको सेटिंग में थोड़ा चेंज करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखो अपर बैंड आपको दिखेगा, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। तो अपर बैंड को आपको 70 छोड़ना है, लोअर बैंड को आपको यहाँ पे 30 से चेंज करके 40 डालना है। जो मिडिल बैंड है उसको आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। तो मैं अपने केस में भी रख रहा हूँ, मैं बस लोअर बैंड को भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो 70 अपर बैंड का हो जाएगा और 40 लोअर बैंड का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक और चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं RSI का जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और जो अपर बैंड है उसको यहाँ पे थोड़ा डार्क करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने अपर बैंड को थोड़ा डार्क कर दिया है यहाँ पे, और लोअर बैंड को भी मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा RSI यहाँ पे चार्ट पे लग गया है। इसके अलावा यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ये लाइन दिख रहा हो, ये मूविंग एवरेज इसके अंदर आ चुका है, तो आप इसको हटा भी सकते हो या फिर चाहो तो आप इसको रख भी सकते हो। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, मुझे इसका जरूरत है नहीं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक चीज बताता हूँ, जो कि मतलब जो कीस है वो फिक्स रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट से कम के कैंडलस्टिक पे मत करना ट्रेड। टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो मिनिमम 5 मिनट का होना चाहिए। 1 मिनट और 3 मिनट पे प्लीज ट्रेड मत करना, बहुत नॉइज मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होगा। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में ट्रेड करना है। सेम स्ट्रेटजी से आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज रहेगा। इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया 5 मिनट 15 मिनट पे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट से ऊपर आपका हो जाएगा क्या, स्विंग ट्रेड के लिए हो जाएगा या फिर BTST के लिए हो जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो वीकली टाइम फ्रेम हो जाएगा। अगर आपको मान लो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो मंथली हो जाएगा, या फिर अगर आपको होल्ड करना है शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो 1 आवर 2 आवर 4 आवर 1 डे आप पे जा सकते हो, इसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये मतलब ये फिक्स रूल है, मिनिमम आपको इंट्राडे के लिए 5 मिनट रखना है। 5 मिनट 15 मिनट पे आप इंट्राडे पे करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी क्या है गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा RSI को समझ लो। RSI को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि RSI होता क्या है। देखो, RSI मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ बताता है। मान लो अगर बायर्स बाई कर रहे हैं तो किस तेजी से वो बाई कर रहे हैं, या फिर सेलर्स अगर सेल कर रहे हैं तो कितने तेजी से वो सेल कर रहे हैं, उसके जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि उसका कैपेसिटी पावर दिखाता है RSI। मतलब कि अगर बायर्स लगातार बाई करते जा रहे हैं तो RSI एकदम बूम करके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बायर्स थोड़ा होल्ड करके बाई कर रहे हैं तो RSI थोड़ा कम हो जाएगा। वही अगर आप मान लो सेलर सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो RSI तेजी से नीचे आएगा, लेकिन अगर स्लो मतलब सेल कर रहे हैं फिर बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं बाई कर रहे हैं, तो RSI कुछ इस टाइप का दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो यहाँ पे बैंड रख लिया, ऊपर वाला 70 का लेवल मान लिया, नीचे वाला 40 का लेवल मान लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को हेल्प में लाना है। प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक चीज जो कि सुभाषी सर ने बताया है, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। एम पैटर्न यहाँ पे और डब्ल्यू पैटर्न नीचे साइड में। एम पैटर्न क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को सेलिंग के साइड रिवर्सल ढूंढते हैं। मतलब क्या कि मार्केट अब टॉप बना चुका है, यहाँ से जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पे हम लोग इसके नेकलाइन के पास हम लोग सेल करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है।
और जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उतना आसपास हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो ये हम लोग का सेलिंग के लिए हो गया एम पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्यों बाइंग के लिए होता है, जैसे ही इसका नेकलाइन के ऊपर यहाँ पे करेंगे यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, प्राइस जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे हम लोग यहाँ पे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट जो जगह इतना जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उतना हम लोग ऊपर में टारगेट को प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है, होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी आरएसआई के अंदर हम लोग को सेम चीज इसी चीज को हम लोग को आरएसआई के अंदर ढूंढना है। ठीक है, क्या मान लो आरएसआई अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक टॉप बनाया 70 के ऊपर, इस टाइप से अगर आरएसआई बना रहा है मतलब क्या कि 70 के ऊपर जाने के बाद एक प्राइस एक्शन बना रहा है। अब ये देखो ये प्राइस एक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस मान लो ऐसे ऊपर आया 70 के ऊपर, नीचे आया फिर यहाँ से ऐसे, तो ये भी एक एम पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया 70 पे, तो ये भी एक एम पैटर्न है। तो एम पैटर्न आपको मार्केट में थोड़ा टाइम आपको बिताना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कैसे होता है। सेम अगर आप डब्ल्यू पैटर्न का हम लोग यहाँ पे बात करें तो चार्ट के ऊपर, तो देखो या तो 40 के थोड़ा नीचे आने के बाद ऐसे भी डब्ल्यू बना सकता है, या फिर प्राइस क्या कर सकता है ना ऐसे आने के बाद एक ऐसे यहाँ पे ऐसे भी एक डब्ल्यू बना सकता है। तो इस वाले डब्ल्यू में नेकलाइन यहाँ हो गया और इस वाले डब्ल्यू में यहाँ हो गया। तो ये हम लोग को एम और डब्ल्यू पैटर्न चार्ट के ऊपर तो देखना ही है, आरएसआई के अंदर भी इस चीज को हम लोग को देखना है। तो मैं भी आपको लाइव चार्ट के ऊपर चल के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ये कैसा दिखता है। आज के दिन का ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो अभी यहाँ पे एक लाइव मार्केट में डब्ल्यू बनने का कोशिश हो रहा है। अभी ये डब्ल्यू बनता है कि नहीं, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर आया नीचे, यहाँ पे नीचे हल्का आने के बाद अगर ऐसे आता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ नेकलाइन के पास यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन अभी इसको बनने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या ये रियली बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले सकता है, 40 का यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है आरएसआई और यहीं से निकल सकता है। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू बनता है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, मैं इसके लिए आपको बाद में एक वीडियो बना के दे दूंगा। जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि पहले आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो इस पे मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, स्पेशली लाइव मार्केट के अंदर में कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि ये वाला देखो ये पार्ट अभी यहाँ पे एक बन रहा है तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे मार्केट में देखते हैं। सेम आज के दिन पे देखोगे तो एक सेलिंग का यहाँ पे ट्रेड मिला मॉर्निंग में, आज 13 तारीख का दिन है। ठीक है, प्राइस क्या किया, मॉर्निंग में प्राइस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई जो था वो 70 के ऊपर यहाँ पे निकला, ये देखो ऐसे आया, थोड़ा नीचे आया फिर ऐसे यहाँ पे एम पैटर्न बना। मतलब मैं इसको परफेक्टली अगर आपको बताऊं तो परफेक्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो परफेक्टली आपको एम पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। देखो परफेक्शन 100% परफेक्शन स्टॉक मार्केट में होता नहीं है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप 100% कोई भी डायग्राम को ढूंढने जा रहे हो तो वो 100% आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या किया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, आरएसआई क्या किया कि यहाँ पे 70 के ऊपर निकला, पहला अलर्ट आपको हो जाना है, प्राइस थोड़ा नीचे आया फिर यहाँ पे ऊपर आया फिर नीचे आया। तो यहाँ पे देखो एम पैटर्न आपका क्लियरली बन चुका था। आपको शॉर्ट कब करना था, जब भी ये वाला जो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका नेकलाइन, मतलब क्या कि इसका लो जैसे ही ब्रेक हो रहा है आपको यहाँ पे सेल करना था। स्टॉप लॉस सेम इस जो ये वाला आपका स्विंग है ये वाला, इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना था। टारगेट आपका मिनिमम, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लो कि यहाँ पे 60 रुपये का है, ठीक है, तो आपको मिनिमम जो टारगेट रखना था वो यहाँ से नीचे 180 रुपया टारगेट रखना था, या फिर 120 भी आप रख सकते थे। लेकिन सुभाषीष सर ने जैसा बताया है, मान लो मैक्सिमम जो हम लोग को इसके केस में स्टॉप लॉस जो रखना है वो 100 पॉइंट, मतलब 170 से 100 पॉइंट का आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है। इसके ऊपर कुछ भी प्राइस जाए आपको स्टॉप लॉस उतना नहीं देना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना कि मान लो अगर आपने इसके ऊपर दे दिया तो उतना टारगेट भी आपको मिलना चाहिए, तो वहां पे जाकर के फिर एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 100 और 70 से 100 के बीच में दो। अगर इससे कम आता है, मान लो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, तो क्या कर सकते हो, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड तो ले लोगे, अगर वो हिट होता है तो आप वापस से री एंट्री कर सकते हो। मतलब 30 पॉइंट एक बार में दिया, 30 पॉइंट दूसरे बार में दिया, तो ये 60 रुपये आपका जाकर के स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब 60 रुपये का मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस का एक मतलब रिस्क मैनेजमेंट बन गया कि 60 रुपये आप दे नहीं रहे हो तो रीएंट्री करने के बाद भी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में हम लोगों को यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने सेल किया, प्राइस थोड़ा नीचे आया, ऊपर जाके हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया हम लोगों का। उसके बाद मार्केट में देखोगे तो फिर वापस से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वापस एम पैटर्न मिलेगा। कैसे एम पैटर्न मिलेगा, ये देखो यहां से जो हाई, ये वाला हाई हम लोगों को एक टॉप मिला, प्राइस क्या किया कि प्राइस यहां पे आया, थोड़ा नीचे आया फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया। सेम आरएसआई एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, आरएसआई देखोगे तो यहां पे एक टॉप लगाया, ये देखो ऊपर गया यहाँ पे नीचे आया,
तो मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोगों का एक नेकलाइन बन गया, यहाँ पे हम लोगों का एक नेकलाइन बन गया। सेल करना था इसके नीचे, हम लोगों को सेल करना था। सेम देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉस हम लोगों को स्टॉप के ऊपर स्टॉप लॉस रखना था। सेम अभी अगेन ये अभी जो ये वाला जो चल रहा है, ये ट्रेड अभी भी हम लोग हमारा चल रहा है। यहाँ से मिनिमम टारगेट हम लोग को 40 का, RSI 40 का रखना था, या फिर अगर मान लो जो भी इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है, मान लो 60 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 120 से लेकर के 180 के बीच में हम लोग यहाँ पे टारगेट रख सकते थे, या फिर जो RSI का जो हम लोग का यहाँ पे 40 का लेवल है। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आया कि RSI 40 जो भी पहले आ जाए, या तो 120 से लेकर के 180 के बीच का टारगेट, या फिर RSI 40, क्योंकि RSI 40 पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेगा और वापस से बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। तो ये देखो, ये आपके सामने एक लाइव ट्रेड, मैंने आज के दिन का लाइव ट्रेड दिखा दिया कि यहाँ पे मार्केट जो है इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। देखो ये तो हो गया हम लोग का सेलिंग के टाइम पे, अभी हम लोग बाइंग के टाइम पे देखते हैं कि बाइंग के टाइम पे कैसे कैसे क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो ये वाला इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो ये देखो प्राइस नीचे आया, RSI 40 के नीचे ड्रॉप किया, वापस से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, RSI क्या किया यहाँ पे देखो ऐसे, और यहाँ पे अभी बना, लेकिन अभी ये नेकलाइन यहाँ पे है, तो नेकलाइन अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो नेकलाइन यहाँ पे था, नेकलाइन क्रॉस कब हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बाई करना था। ठीक है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया सिंपली। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा इस केस में, या प्रीवियस स्विंग, ठीक है प्रीवियस स्विंग ये वाला स्विंग, या फिर आप इस स्विंग को कंसीडर कर सकते हो। स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ लगा लिया। टारगेट क्या होना चाहिए, RSI 60, जो सॉरी 70, RSI 70 का लेवल, जो कि ये हम लोग का होल्डिंग वाला ट्रेड बन गया। देखो कितना अच्छा गैप अप मार्केट में ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे प्राइस खुला और प्राइस यहाँ तक गया, प्राइस यहाँ तक गया। अगर आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करोगे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे बाई करा, स्टॉप लॉस जो आपका हो गया यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। अगर हाई कंसीडर करोगे तो 1:2 से ज़्यादा मिलना चाहिए था आई गेस, या फिर देखो यहाँ पे 1:2 आपको मॉर्निंग आवर में भी मिल गया, अगर आप हाई टेक करोगे तो 3:1:3 प्लस का आपको इजिली यहाँ पे मिल गया। तो गाइज ये होता है, ऐसे आपको इसके बेसिस पे ट्रेड करना है। अभी देखो ये 5 मिनट पे मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट पे जाओगे, 15 मिनट में भी आपको बहुत अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट RSI 40 के नीचे ड्रॉप हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है मैं इसको हटाता हूँ, क्या बना, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना। RSI भी क्या बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, क्रॉस हुआ यहाँ पे, क्रॉस हुआ यहाँ पे, बाई आपको यहाँ पे करना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा था, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे था, तो इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस दे नहीं सकते हो, मैक्सिमम 70 पॉइंट। यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया, नीचे आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन अगर आपने अगर यहाँ पे ये अच्छा रहता, तो अभी देखो तो ये भी करेंटली ये ट्रेड चल रहा है, प्राइस यहाँ तक का हाई लगा चुका है। तो 15 मिनट पे भी आपको बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसमें आपको होल्ड करना होगा। उससे पहले सेम देखो यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी कितना अच्छा काम करता है। प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुआ, प्राइस यहाँ पे वापस से 40 के नीचे ड्रॉप हुआ, प्राइस यहाँ से करेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, एक डब्लू पैटर्न बन गया RSI के अंदर। यहाँ पे आपको बाई करना था, यहाँ पे आपको बाई करना था, सॉरी इसके ऊपर आपको यहाँ पे बाई करना था, आपने यहाँ पे बाई करा, यहाँ पे आपका बाई हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा इस स्विंग के नीचे, स्टॉप लॉस हो गया आपका यहाँ पे, ये जो ट्रेंड आपको मिला है, ये आपका छोटा छोटा जितना भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उन सभी को ये एक बार में कवर करेगा। यहाँ से अगर आपने इस ट्रेंड को भी कवर कर लिया, इसका 50% मतलब यहाँ तक भी कवर कर लिया, आपका प्रीवियस जितना भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उन सभी को ये कवर कर लेगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, होप आपको यहाँ से एक क्लियरिटी मिला कि इसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड करना है, एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे करना है इसके बेसिस पे। तो मैंने आपको हर एक टाइम फ्रेम पे बता दिया इंट्राडे के लिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग या फिर शॉर्ट टर्म या फिर BTST के लिए चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो होप गाइज आपको वीडियो, ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।